आई डिक्लेयर द 38th ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एंड माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2020 ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खेलों का हब है और हरियाणा सरकार ने खेल नीति के साथ साथ खेल परिषद का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार खेलों में आगे बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के अनुभव का भी लाभ प्राप्त कर रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सके। मुख्यमंत्री गुरुग्राम के भूटसी पुलिस परिसर में अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ करने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों अर्धसैनिक बलों की 16 टीमों के 623 घुड़सवार अपने 279 घोड़ों के साथ 31 प्रकार के स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 14 फरवरी तक चलेगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता व घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट 2020 के शुभारंभ पर आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह प्रतियोगिता लगातार 10 दिन चलने वाली है और इन 10 दिनों की इस प्रतियोगिता में देश के कितने ही अर्धसैनिक बल, राज्यों के पुलिस बल तथा एनपीए हैदराबाद की सभी 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। आप सबका हरियाणा में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूं कि यहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं आपके लिए उचित बनाई गई होंगी और निश्चित रूप से आप यहां से कुछ अच्छी यादें लेकर के वापस जाएंगे। हम लोग यहां पर जितनी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, एक खेल की टीम भावना के रूप में कर रहे हैं। खेलों में हमारा अनुशासन, हमारी टीम भावना और मनोबल तथा शारीरिक बल सब बढ़ता है। आखिर खेलों को प्रोत्साहन इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दिया जाता है। एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा खिलाड़ी तो होता ही है। ध्यान में ये भी आता है कि अच्छा खिलाड़ी वो भी एक अच्छा सिपाही बन सकता है। इसलिए हमने हरियाणा में खेलों को प्रमोट करने के लिए अपनी विशेष नीति बनाई है, हमारी खेल नीति 2015, जिसमें हमने खिलाड़ियों के लिए बहुत से प्रोत्साहन दिए हैं। उनके जितने इनाम राशि है उन सबको भी बढ़ाया है। हमारे यहाँ ओलंपिक खेलों में जो प्रथम पुरस्कार जीतने वाले उनको, प्रथम पुरस्कार जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और इसी प्रकार अन्य सब राशियां भी करोड़ों में हैं। यहाँ तक प्रतिभागी को भी, कोई भी प्रतिभागी होता उसको भी 15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बचपन से ही कैच दम यंग की पॉलिसी के आधार पर हमने नर्सरी लेवल से खेलों को शुरू किया है। गांव-गांव में खेल व्यायामशाला, योगशाला और उसके बाद खेल विभाग द्वारा गांव में, शहरों में सब जगह स्टेडियम बना करके और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी एक बनाई है ताकि खेलों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। हमने खेलों के अंदर हरियाणा में बहुत से मापदंड खड़े किए हैं। हरियाणा खेलों का हब है, स्पोर्ट्स हब। इस रूप में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत से ऐसे कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। और संयोग से इस समय तो हमारे हॉकी के कप्तान, राष्ट्रीय कप्तान संदीप सिंह जी अभी वो हमारे खेल मंत्री भी हैं और इस नाते से खेलों को आगे बढ़ावा देने के लिए उनकी योजनाएं बहुत कारगर से दो रही हैं। इस प्रकार से हमने खेलों के लिए अपनी स्पोर्ट्स नीति के साथ साथ एक स्पोर्ट्स काउंसिल भी बनाई है ताकि खेलों को आगे बढ़ावा देने में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। मैं आज पुनः आपको इस 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।